हमारे साथ बने हैं योगेश जी, क्योंकि लाडपुरा से कल्पना देवी को रिपीट किया गया है। भवानी सिंह राजावत अपना पर्चा अलग ही भर चुके हैं, मानकर चलें कि वो पर्चा वापस ले लेंगे इस नामांकन के बाद ही, आपको लगता है कि नहीं? क्योंकि पिछली बार भी उनका कटा था और इस बार वो निर्दलीय मैदान में होंगे। देखिए, लाडपुरा से लड़ेंगे भवानी सिंह राजावत, पर्चा वापस नहीं लेंगे, ऐसी प्रबल संभावनाएं हैं। और कहा जा सकता है बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन लाडपुरा का होगा, पिछली बार भी निर्दलीय था भवानी सिंह राजावत। वैसे तो आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि लाडपुरा जो विधानसभा सीट है, इसमें लाडपुरा नाम की कोई जगह ही नहीं है। आप लाडपुरा जाके ढूंढेंगे ना जी कि लाडपुरा है कहाँ, लेकिन नाम लाडपुरा विधानसभा सीट है। ऐसे झोटवाड़ा जो विधानसभा सीट है, उसमें झोटवाड़ा नाम की कोई जगह नहीं है, लेकिन नाम झोटवाड़ा सीट है। ऐसी कुछ सीटें हैं राजस्थान में, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो कहा उनको उस नाम से जाता है, लेकिन वो जगह वहाँ पर नहीं है। तो एक तरह से और वंशवाद की झलक भी यहाँ दिख रही है। ईश्वर भी आ चुके हैं, उनसे लगेगा गुरुवीर सिंह बराड़ हैं, जो गुरजन सिंह के पोते हैं, पूर्व मंत्री भैरव सिंह शेखावत साहब के बहुत नज़दीक थे। सुमित्रा पूनिया, नंदलाल पूनिया के परिवार से, जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में, जिनको कस्बा परिवार लेकर गए थे। पूनम कंवर भाटी, देवी सिंह भाटी की पुत्रवधू है। तो आप, हम जब वंशवाद को लेकर हमला होता है कांग्रेस पर, तो ये जो विजेंद्र झलक दिखती है बीजेपी के अंदर वंशवाद की, तो ये कुछ डिफरेंट होती है और बिल्कुल अलग है कि यहाँ पर जय आहूजा का जिक्र कीजिए। जय आहूजा भी है, और जय आहूजा का कारण है, जय आहूजा अरसे से जो वो बेल्ट जो कहा जाता है, संघ का जो हार्डकोर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, खासतौर से जो एरिया शरणार्थी वर्ग, जो प्रवासी हिंदू जो पाकिस्तान से आते हैं, उनको बसाना करना, उनसे जुड़े काम, वो सब जय आहूजा लगातार देख रहे हैं। ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे ऐश्वर्य ज़्यादा बता पाएंगे जय आहूजा के बारे में। और खासतौर से विक्रम बंसीवाल, वो भी बंसीवाल परिवार से आते हैं, जियालाल बंसीवाल जो पहले दौसा से विधायक रहे, उनके बेटे हैं राजेंद्र मीणा, डॉक्टर किरणलाल मीणा के भतीजे हैं, महुआ से इनको रिपीट हुआ टिकट, ये भी परिवार से ही टिकट इनका दिया गया है। और अजय सिंह किलक का भी परिवार राजनीतिक परिवार जी। एक महत्वपूर्ण बात ये नजर आती है कि जो जय आहूजा के बारे में बात कर रहे थे, कि जय आहूजा, ज्ञानदेव आहूजा और जय आहूजा दोनों ही अपना टिकट मांग रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अब यहां पर बड़ा सवाल यह है कि हालांकि एग्रेसिव दोनों है, हिंदू मुस्लिम चुनाव होना है, और हिंदू मुस्लिम चुनाव के बीच क्या कितने वोट ले पाएंगे, क्योंकि वहां पर एक बड़ा सवाल है। आज वहां पर सरदार जो हैं वो प्रदर्शन कई हिस्सों में करते नजर आ रहे हैं, वहां सरदार जो हैं वो बहुत हैं, सिख बहुत हैं, पुरुषार्थी समाज बहुत हैं जो पंजाबी है, और जय आहूजा है वो सिंधी समाज से आते हैं। तो यहां पर पुरुषार्थी पंजाबी समाज और सिख समाज की बड़ी भारी संख्या है, ऐसी है, कुछ जाट हैं, और उसके अलावा मुस्लिम है, मेव है। यहां पर वही बयान पर आ रहा हूं, यहां पर हालांकि माफी वगैरह मांग ली जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन यहां पर जो जुबेर की नेचर है, योगेश जी इस बात को बखूबी जानते हैं, जुबेर खान की जो नेचर है वो हिंदुओं में भी सेंध लगाने में काबिलियत रख सकते हैं, मैं संभावना जता रहा हूं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कौन सी रणनीति अपनाएगी? ईश्वर की जो बात है कि जुबेर खान ठीक वैसे ही हैं जैसे जयपुर में अमीन कागजी और रफी खान, मतलब एक सॉफ्ट मुस्लिम की इनकी इमेज है, हार्डकोर मुस्लिम नहीं कहे जाते, ये एक बड़ा फैक्टर दोनों के साथ है। लेकिन यह है कि फिर से जुबेर खान और आहूजा परिवार आमने सामने है। और योगी जी, यहाँ से सवाल है, क्योंकि अंता से अमूमन हम प्रभुलाल सैनी को मैदान में देखते थे और वो एक मुकाबला रोचक होता था, इस बार उनको हिंडोली ट्रांसफर किया गया, कोई खास वजह? देखिए, प्रभुलाल सैनी का तो एक कहा जा सकता है कि प्रभुलाल सैनी खुद क्या चाह रहे थे वो तो हुआ नहीं, लेकिन हिंडोली दिया गया अशोक चांदना के सामने, बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। अशोक चांदना को बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ना पड़ेगा, अभी तक की जो भी पिक्चर रही है उनकी उसके अलग है, क्योंकि प्रभुलाल सैनी का चुनावी लड़ने का स्टाइल बहुत अलग तरह का है, बहुत खांटी नेता है, मालियों में तो पकड़ है, दूसरी जातियों में भी उनकी पकड़ है, और उनको ये भी पता है कि अशोक चांदना के किस सेक्टर में कहाँ सेंध लगानी है। यहाँ पर अशोक चांदना और प्रभुलाल सैनी की विजेंद्र में बात और पूरी कर दूं, यहाँ पर प्रभुलाल सैनी और अशोक चांदना में एक बड़ा अंतर है।
प्रभुलाल सैनी का मिलने का अंदाज और अशोक चांदना का मिलने का अंदाज, दोनों के मिलने के अंदाज को लेकर ग्रामीण लोग हैं वो क्या अंदाजा लगाएंगे, या आप समझ पा रहे हैं? और प्रभुलाल सैनी सही कह रहे हैं कि प्रभुलाल सैनी को प्रयोग किए गए, प्रभुलाल सैनी को अंता भेजा गया, लेकिन इसमें लिस्ट में खास बात यह है कि अंता जनरल सीट है, जनरल सीट पर मीणा को भेजा गया है। हालांकि जब गोविंद रानी पुरिया जो थे, गोविंद रानी पुरिया पर मीणा को लड़ाया जाना था, उस वक्त उन्हें समझा दिया गया था, तो यहां पर एक प्रयोग किया गया है और वसुंधरा राजे उन्हें जिताकर लाएंगी, ऐसी उन्होंने आश्वस्त किया है। क्योंकि ये जो बारा झालावाड़ है, इस पर लगातार वसुंधरा राजे अपना होल्ड रखती है और वो वहां के लोगों से अच्छा खासा संवाद रखती है, और ये बात सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि वहां पर चुनाव कोई भी लड़े, वहां पर वसुंधरा राजे पूरे दमखम के साथ जोर लगाती हैं और उन्हीं के पास ज्यादातर लोग अपनी समस्या लेकर भी आते हैं। तो यहां पर मैं एक जिक्र और करूंगा, इस पूरी लिस्ट में एक चीज और यहां पर महत्वपूर्ण नजर आती है, यहां पर कल्पना देवी का क्या मानकर चलते हैं योगेश जी? आप देखिए, रॉयल फैमिली से ताल्लुक है कल्पना देवी का। टिकट कैसे मिला आखिर एंड में? टिकट का तो मैडम के कैंप में गिना जाता है उनको, और कहा जा सकता है कि संगठन निष्ठ भी आजकल वो इन दिनों ज़्यादा दिख रही थी। और अभी हम अगर रॉयल फैमिलीज की बात करें तो मेवाड़ के पूर्व राजकुमार, जयपुर की पूर्व राजकुमारी कल्पना देवी, जो कि कोटा रॉयल फैमिली से, बीजेपी के अंदर ये टिकट होते हुए नज़र आते हैं। 1952 से हम देख रहे हैं बीजेपी के अंदर इस तरह के टिकट होते हैं जो रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। सुखराम कोहली पर, सुखराम कोहली कई बार परेशान थे, मुझे वो दृश्य याद आता है जब एक बार उनका टिकट कटा था तो रोए थे, बच्चों की तरह रोने लगे थे, किरोड़ी लाल मीणा की पार्टी में पहुंच गए थे, फिर वहां से चुनाव लड़ा था, हार गए थे पिछली बार, फिर टिकट नहीं मिला, आखिरकार उनका भाग्योदय अब 10 साल बाद हुआ है। लेकिन वो बात तो सही है, लेकिन मैं अभी भी इस लिस्ट में प्रहलाद गुंजल का नाम नहीं देख रहा हूँ। ये बड़ा नाम है विजेंद्र प्रहलाद गुंजल का नाम अभी भी नहीं है इस सूची के अंदर, अरुण चतुर्वेदी का नाम अभी भी नहीं है, और कहा जा सकता है दिग्गज अशोक परनामी का नाम अभी भी नहीं है। अदिति के पास कुछ अपडेट है। अदिति, बिल्कुल देखिए, मेरा योगेश जी से सवाल है, एक तो प्रहलाद गुंजल की चिंता या प्रहलाद गुंजल के नाम ना होने की चिंता, तो दरअसल प्रहलाद गुंजल का नाम लगभग कट चुका था, लेकिन अभी की अगर बात करें आज की और आज के अभी से 3 घंटे पहले तो बातें बदली हैं। जैसे उस समय एक और सीट यहाँ पे थी राजे कल्पना राजे की, उनके नाम पे भी कहीं ना कहीं लग चुका था विराम, लेकिन उनका नाम इसमें आ गया। तो अब दो बातें, बाबू सिंह राठौड़ और प्रहलाद गुंजल, ये दो नाम अभी भी कमबैक करने की पोजीशन में आ चुके हैं, ऐसा तर्क वितर्क चल रहा है। पहले बाबू सिंह राठौड़ हुए जो हम जिन हनुमानगढ़ से जिन जाट नेता की बात कर रहे हैं, वो उनका नाम नहीं था, अशोक परनामी, यूनुस खान, अब चीजें सामने आ चुकी हैं, तो ये सब नाम नहीं थे जिसमें बाबू सिंह राठौड़ भी थे, प्रहलाद गुंजल भी थे, लेकिन अब और राजे भी थी, लेकिन अब ये दो नाम वापस कमबैक की स्थिति में है और अगली लिस्ट में इनका नाम दिखता नजर आ सकता है। दूसरी बात है कि मैं योगेश जी आपसे सवाल करना चाहती हूं कि ये अगर कुछ नाम बोले हम, जैसे कि सुभाष मील, हाँ बिल्कुल बात पूरी की, जैसे सुभाष मील है, राजेश दहिया है, बाल मुकुंद जी है, रमेश खींची है, बन्ना राम है, ये सब फिर भी नए नाम है, लेकिन ज्यादातर नाम पुराने हैं, तो ये ऐसा क्यों, जहां पर ये बात थी कि हम नए चेहरे होंगे, ये अल्टीमेटली बीजेपी ने सारे पुराने नामों पर आकर ही फैसले लिए हैं, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, या जो पहली 41 की सूची से इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जैसे बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता, ये वाली स्थिति है, स्थिति क्या है? आप ग्राउंड पे जयपुर में बातचीत करते हैं, समझते हैं ये सारे ज्यादातर पुराने नाम क्यों है, और अगर पुराने नाम है तो ये तो वसुंधरा राजे के फेवर में जाता नजर आ रहा है पूरा मामला। देखिए, साफ सी बात है अदिति की पहली जो लिस्ट आई उसके बाद अभी इस लिस्ट में आपको एक भी सांसद नहीं दिखा जो चुनाव लड़ रहा है। दूसरी बात ये हुई कि पार्टी की जो सूची देखेंगे हम तो उन्होंने भी उन्हीं पर बिलीव किया है जो मौजूदा विधायक हैं, तो बीजेपी को लगा कि हमें भी उन्हीं नामों पर अब सवारी करनी चाहिए, जो नाम खास तौर पर भले हार गए थे पिछली बार चुनाव, लेकिन वो उपयुक्त नाम है और उनको टिकट देना चाहिए। यहाँ पर बात आती है वसुंधरा राजे की, वसुंधरा राजे का तो हर
विधायक या पूर्व विधायक अगर बात करेंगे ढूंढेंगे तो सब वसुंधरा राजे से जुड़े हुए नाम होंगे या वसुंधरा राजे का जिनके ऊपर ठप्पा रहा होगा। लेकिन इनमें से कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी अलग भी फील्डिंग की, अलग से लॉबिंग की और उसके बाद वो टिकट पाने में कामयाब हो गए। ये जरूर है कि सेफ साइड बीजेपी रही है। नेगेटिव असर पॉजिटिव असर का तो परिणाम तय करेगा, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस से लाए हुए चेहरों को टिकट देने में जितनी जल्दी बीजेपी ने दिखाई है कांग्रेस ने अभी तक नहीं दिखाई है। एक केवल अनादि सरस्वती को लेकर चर्चा है, हालांकि उनका नाम अब फाइनल होना है, लेकिन बीजेपी ने बहुत जल्दी उनको स्वीकार्यता दी अपनी जगह, अपने खास तौर से अपने कुनबे में लेने में और टिकट देने के अंदर भी। तो अदिति मुझे लगता है कि बहुत ही सेफ गेम बीजेपी ने ये कोशिश की है कि बीजेपी अपने पुराने चेहरों पर दाव खेले भले ही वो किसी भी ग्रुप में पहले कभी भी रहे हों। ठीक है अदिति, जिन सीटों को होल्ड किया गया है उनमें कई सीटें हैं, लेकिन रविंद्र भाटी ने भी ज्वाइन किया। एक चर्चा ये चली, अफवाह चली कि भाई सरदारपुरा से मैदान में होंगे। क्या शिव के अंदर जिस तरीके से पूरा गांव-गांव नापा गया है, मानकर चले कि वो अगर चुनाव मैदान में होंगे तो शिव से या फिर अगली बार? देखिए शिव से हालांकि दूसरा नाम सामने आ चुका है जो एक बार हम चला चुके हैं, लगभग उनका नाम तय भी माना जा रहा है, लेकिन जब रविंद्र सिंह भाटी ने ज्वाइन किया तो ये तय था कि वो किसी शर्त से ही ज्वाइन कर रहे हैं। विजयन जी मेरा आपकी आवाज मेरे को एको हो रही है, मेरी आवाज खुद को एको हो रही है, शायद टेक्निकल कुछ फॉल्ट है अगर वो ठीक कर सके। लेकिन ये माना जा रहा था कि शिव से तो उनको दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन मैं आपको नाम बता दूं, जालिम सिंह रावलोत का नाम चर्चा में था और लिस्ट में लगभग फाइनल ही माना जा रहा था जी। अब ये रविंद्र सिंह भाटी क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट लड़ने को भी तैयार थे, तो ऐसी स्थिति में क्या फैसला होगा, उनको क्या दायित्व दिया जाएगा, ये तो देखना होगा। लेकिन जो उच्च सूत्र हैं वो यही कह रहे हैं कि जालिम सिंह रावलोत को ही चुनाव लड़ाने की यहाँ पर बात चल रही है। ठीक है अदिति, शायद ऐश्वर्य प्रधान इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ऐश्वर्य अदिति, इसमें एक महत्वपूर्ण अपडेट और आ रहा है, मैं उसका उसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा। यहाँ पर एक तो मसूदा सीट जो है वो दो चीजों पर यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ है, एक तो क्या भंवर सिंह पलाड़ा को ज्वाइन करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, और दूसरा जो जिक्र है वो ये है कि नाथू सिंह गुर्जर जिनकी धर्मपत्नी अलका गुर्जर है, नाथू सिंह गुर्जर वहां से टिकट चाहते हैं, धर्मपत्नी भी चाहती हैं, और नाथू सिंह गुर्जर ने दलील दी है कि मेरा कई बार टिकट कट गया, इस बार मुझे मसूदा से मौका दिया जाए। तो क्या भंवर सिंह पलाड़ा, नाथू सिंह गुर्जर या फिर कोई तीसरा नाम यहां से आएगा? और दूसरी एक और जानकारी मिल रही है जिसका मैं यहां जिक्र कर रहा हूं, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के SD शर्मा का मेरे पास मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि सिविल लाइन्स सीट ब्राह्मण सीट है और ब्राह्मण सीट पर सर्वाधिक वहां पार्षद भी ब्राह्मण है, तो वहां पर ब्राह्मण को दिया जाए। तो क्या अरुण चतुर्वेदी वाली सीट जहां पर प्रताप भानु सिंह शेखावत को दिया जाना था इसलिए अटकी है? अदिति आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए वापस उनको जोड़ेंगे। योगेश जी, आपसे जवाब चाहेंगे दोनों। योगेश जी देखिए अभी भी वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, कई चेहरे वहाँ दावेदार के तौर पर ब्राह्मण समाज से आते हैं सिविल लाइन में, लेकिन अरुण चतुर्वेदी वहाँ से विधायक रहे और पहले वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे, मंत्री भी रहे, तो ऐसे में ये बात सही है कि वो ब्राह्मण सीट के तौर पर कहा जाता है। और पार्टी बीजेपी विद्याधर नगर से राजपूत चेहरे को चुनाव लड़ा रही है, झोटवाड़ा से भी राजपूत चेहरे को चुनाव लड़ा रही है, तो ऐसे में ब्राह्मण समाज जो जयपुर में है उसके मन में सवाल खड़ा हुआ है कि सिविल लाइन्स में जो लगातार पिछले कई सालों से वहाँ ब्राह्मण चेहरा ही लड़ता आया है, तो ऐसे में क्यों नहीं ब्राह्मण को रिप्लेस करके एक राजपूत चेहरे को टिकट दिया जा रहा है। कहा जा सकता है कि नाम प्रताप भानु शेखावत का चल रहा था झोटवाड़ा से, वहाँ उनको टिकट मिला नहीं, संघनिष्ठ हैं और संघ के विविध आयामों से जुड़े हुए रहे हैं, तो ऐसे में ये एक कहा जा सकता है समाज विशेष के बीच में ये बात ही एक संदेश है। और नाम भी वहाँ पर खुद SD शर्मा भी टिकट चाह रहे थे सिविल लाइन से, पवन शर्मा का नाम था, शशि प्रकाश का नाम था, हरीश का नाम था, कई चेहरे थे भार्गव भी और सुनील भार्गव ने भी वहाँ से टिकट मांगा,
फिर राजपाल शेखावत को लेकर, फिर राजपाल श्री शेखावत है। राजपाल श्री शेखावत ने कहा कि वो सिविल लाइन से लड़ने में इच्छुक नहीं है, वो जोटवाड़ा ही सही चुनाव की तैयारी उन्होंने की थी और जोटवाड़ा से विधायक रहे हैं और सिविल लाइन का मिजाज ब्राह्मण मिजाज है। ये राजपाल सिंह शेखावत के तर्क थे। अब किस तरह से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही, लेकिन ये ज़रूर है कि अरुण चतुर्वेदी का टिकट कटता है तो ये बड़ा संदेश पूरे कम्युनिटी में जाएगा। अब ये भी कहा जा सकता है, और अभी आदर्श नगर को लेकर मैं ऐश्वर्य से बात करूंगा, अशोक परनामी, रवि नैयर, और अब सुनने में आ रहा है कोई तीसरा नाम भी वहाँ पर चर्चा में है। अब वो तीसरा नाम कौन है, कौन सा पिटारा खोलेगी बीजेपी, क्या कोई प्रयोग तो नहीं कर लिया जाएगा कि वहाँ प्रताप भानु सिंह शेखावत और यहाँ राघव शर्मा जैसे किसी शख्स को लेकर आया जाए? क्यों योगेश जी, आप भी जयपुर शहर की राजनीति? बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई प्रयोग कुछ भी हो सकता है, प्रयोग को लेकर कई है प्रयोग। तो अब जितेंद्र श्रीमाली टिकट मांग रहे थे मालवीय नगर से, फिर उन्होंने मांगना शुरू कर दिया सिविल लाइन से, आदर्श नगर से भी मांग रहे थे। तो ऐसे बीजेपी में एक्चुअली क्या है, जयपुर की पॉलिटिक्स के अंदर जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो ब्राह्मण और वैश्य केंद्रित रही है। तो ब्राह्मण को लड़ाया जाता है, उसकी सीटें फिक्स है, और बीजेपी की जो वैश्य कम्युनिटी की सीटें फिक्स है कि मालवीय नगर में वैश्य को देना, अग्रवाल को मालवीय नगर देना है, तो किशनपोल में खंडेलवाल वैश्य को देना है, तो ये सीटें कहूँ बेचते हैं। अब यहाँ पर जो समी और राजपूत कम्युनिटी की भी सीटों पर ठप्पे लगे हुए हैं कि जोटवाड़ा राजपूत को देनी है, विद्यानगर राजपूत देनी है। ये जरूर था कि सांगानेर में पिछली बार ब्राह्मण की जगह बीजेपी ने वैश्य को लड़ा दिया था, अब फिर से वो ब्राह्मण को लेकर आ गए। तो ये जो राजनीतिक जो सोशल डेमोग्राफी है वो जयपुर राजधानी की कुछ इसी तरह की है, और जयपुर शहर से लोकसभा एक बार ब्राह्मण को दी जाती है। ये सवाल भी उठते हैं कि एक बार ब्राह्मण दिया जाए, एक बार वैश्य दिया, इस तरह की बातें होती है। लेकिन मुझे लगता है कुछ कारणों से यहाँ पर सीटें होल्ड की गई। देखिए अदिति जुड़ गई हैं, ऐश्वर्या अदिति जुड़ गई हैं, अदिति आवाज आ रही है, तो ऐश्वर्या प्रधान आपसे सिविल लाइन्स को लेकर पूछ रहे हैं कि भाई तीसरा बैक टू बैक ब्राह्मण यहाँ से राजपूत होगा या ब्राह्मण जो सीट है ये यहाँ से ब्राह्मण को ही मैदान में उतारा जाएगा? लग रहा है उनके साथ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है ऐश्वर्या, इस सवाल को होल्ड ही कर लेते हैं क्योंकि जब वो जुड़ेंगे तब उनसे पूछ लेंगे। लेकिन जिस तरीके से सीटें अच्छा, फाइनल ये जो बात की थी अदिति ने, मैं उसमें और आता हूँ। लोहावट और लोहावट शेरगढ़, शेरगढ़ में बाबू सिंह राठौड़ का नाम भी है और शेर सिंह इंदा का नाम भी है, और यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत वर्सेस जो बाबू सिंह राठौड़ के बीच की जो जंग है, आपको ध्यान होगा महेंद्र राठौड़ का टिकट हो गया शेखावत वर्सेज, वो गजेंद्र सिंह शेखावत की पसंद नहीं कहे जा सकते, शायद ऐश्वर्य मेरी बात से ताल्लुक रखे। बिल्कुल, क्योंकि आज एक और चर्चा है, मैं यहाँ पर हालांकि मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करूंगा विजेंद्र, लेकिन बड़ी रोचक सा जिक्र मैं यहाँ पर कर दूं कि कल टिकटॉक को लेकर माथापच्ची हुई, सारे टिकटॉक को लेकर सभी लोगों की बातचीत हो गई, लेकिन बातचीत के बाद अचानक से गजेंद्र सिंह शेखावत का विशाखापट्टनम उस दौर में चले जाना जिस दौर में नामांकनों में या रैलियों में सभाओं में ऐसे दिग्गज की मौजूदगी जरूरी थी। हालांकि कॉन्फ्रेंस के मद्देनजर गए हैं, लेकिन कुछ सवाल राजनीतिक तौर पर पैदा किए जाते हैं। एक बात और दिलचस्प है कि सिविल लाइन का जो मेयर प्रकरण है विजेंद्र जी, और अब सुनने में आया कि मेयर प्रकरण या मेयर से जुड़े संगी साथी प्रताप भानु के घर पहुंच गए थे आज थोड़ी देर पहले, जब ये लगा कि सिविल लाइन्स में प्रताप वर्सेस प्रताप होने वाला है, तो वहाँ पर क्योंकि उनके लिए तो प्रताप सिंह खातरियावास के जो अपोजिट आएगा उसके साथ जाना है, और कुछ उनके संगी साथी वहाँ पहुँचे, हो सकता है कि जैसा पूर्व मेयर के और भी रिश्तेदार भी पहुँचे हों, लेकिन ये बड़ा एक कहा जा सकता है हॉट सीट है, हॉट सीट पर कई तरह के दाव पेच हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रताप सिंह खातरियावास एक सशक्त नेता है सिविल लाइन्स में, उनके सामने किसे उतारा जाए बीजेपी के लिए बहुत यक्ष प्रश्न बना हुआ है। यहाँ पर एक एक करके नामों का जिक्र मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि यहाँ पर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी वही पुराना नाम है, राम प्रताप पकासनिया पुराना नाम है, विश्वनाथ मेघवाल पुराना नाम है, गिने जाइएगा विजेंद्र। लेकिन एक बात और इसमें जिक्र करूंगा, विश्वनाथ मेघवाल और पूनम कंवर भाटी दो नाम, दोनों ही अर्जुन मेघवाल कैंप से नहीं आते हैं, और आपको ध्यान होगा मैं आप दर्शकों को बता भी दूं कि रवि शेखर जो कि अर्जुन मेघवाल के बेटे हैं वो खाजूवाला से तैयारी कर रहे थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अपने पिता के कहने के बाद उनने चुनावी तैयारी छोड़ दी बीच में ही, और वो अपने घर में जाकर बैठ गए और कोई विरोध नहीं किया, और देवी सिंह भाटी की भी सकुशल एंट्री हो गई और विश्वनाथ मेघवाल का भी टिकट हो गया, और अर्जुन मेघवाल ने खुद भी टिकट या चुनाव लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया जी।
हाँ, मैं यही कह रहा था कि ये जो मुकाबला जो है यहाँ पर राजा खेड़ा के लोगों को इंतजार है कि राजा खेड़ा से किसका नाम आएगा, क्योंकि अशोक शर्मा जो कि जगन धौलपुर का नाम हुआ करता था और उनके पुत्र बनवारी लाल शर्मा दिग्गज रहे और उसके बाद अशोक शर्मा को पिछली बार प्रयोग के तौर पर राजा खेड़ा उनकी पत्नी का नाम चल रहा है, अब उनकी धर्मपत्नी का नाम वहां पर चल रहा है, क्योंकि मैं फिर जिक्र कर दूं, क्योंकि गंगापुर से लेकर करौली, करौली से लेकर धौलपुर, यहां पर भी सियासी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अगर एक कुशवाहा को देते हैं, एक गुर्जर को देते हैं, एक राजपूत को देते हैं, इस तरीके से एक पूरी बैलेंसिंग की जाती है कि कौन से समाज को कैसे बैलेंस किया जाए। क्यों अटका हुआ है नाम, इसके पीछे की भी दास्तान है तो बाद में बताएंगे, कभी एक बार राजा खेड़ा डिक्लेयर हो जाए क्या कि राजा खेड़ा क्यों अटका हुआ। राजा खेड़ा के साथ बाड़ी, और यहां पर मैं एक और जिक्र कर दूंगा कि कुछ कहानियां ऐसी भी होती है कि उन कहानियों में ये चीज निकल कर आती है कि अचानक से सियासत में कई तरीके के नाम चलते हैं कि कई सीटें ऐसी होती है उनके साथ दूसरे तरीके के नाम जोड़ दिए जाते हैं कि भाई इस सीट पर ये आ रहा है, सियासी तौर पर ऐसी चर्चाएं होती है और तेजी से चल निकलती है, और उन चर्चाओं के बीच में कई लोग बाजी मार जाते हैं और उनका नाम एकदम से चौंकाया जाता है, चौंकाने वाला आता है। जैसे कालीचरण सराफ को लेकर हर कोई ये चर्चा कर रहा था पिछले दिनों कि भाई टिकट कट गया, 5 साल से यही गीत गाए जा रहे थे अशोक लाहोटी और कालीचरण सराफ को लेकर, कालीचरण सराफ खामोशी से सब चीजों का जवाब ना देते हुए चुपचाप अपना काम कर रहे थे और टिकट ले गए। ऐसे इस लिस्ट में कई नाम है जिनको लेकर ऐसी चर्चा थी, पूरा राम को लेकर कुछ लोगों ने ऐसी चर्चा चलाई, हमें लग रहा था कि पूरा राम का ऑल्टरनेट शायद ही मिले, क्योंकि जब सर्वे किया गया सावल राम देवासी नाम आया था, सावल राम देवासी संघ का बहुत अच्छा चेहरा माना जाता है, लेकिन सावल राम देवासी अगर देवासी समाज के दो लोग कैसे दिए जाएं, जब ओटाराम देवासी को टिकट दिया जा चुका तो ऐसे में वापस से पूरा राम का भाग्य काम कर गया। यहां पर भरतपुर को लेकर सर्वाधिक इंतजार है कि आखिरकार भरतपुर में कौन आएगा, और डॉक्टर सुभाष गर्ग है उन्हें इस चीज का इंतजार है कि क्या विजय बंसल आएगा या गिरधारी तिवाड़ी आएंगे। विजय बंसल का मिजाज सभी जानते हैं कि वो बड़े एग्रेसिव है और उनकी राजनीति गली मोहल्लों तक भी होती है, तो गिरधारी तिवाड़ी भी फकीरी अंदाज के नेता अब मैं उनकी भी इसी बात को जोड़ता हूँ। अब विजेंद्र, नया अपडेट है इसी में कि सुभाष गर्ग आरएलडी से कांग्रेस के कैंडिडेट, आरएलडी से कैंडिडेट हैं और वो आरएलडी से विधायक है, लेकिन पार्टी में ऐसा विचार पनप रहा है विजय बंसल के टिकट कटने के बाद कि क्यों नहीं सुभाष गर्ग को आईएनसी का कैंडिडेट बनाकर वहाँ उनकी मूल पार्टी से ही चुनावी समर में उतार दिया जाए। ये एक विचार भरतपुर की और कांग्रेस हाईकमान इस बारे में सोच रहा है, क्योंकि विजय बंसल का टिकट क्लियर हो चुका, उनको नहीं मिल रहा, तो अब कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि सुभाष गर्ग को हाथ के सिंबल पर चुनाव लड़ा दिया जाए, ना कि आरएलडी के सिंबल पर। ठीक है, अदिति हमारे साथ जुड़ गए। अदिति, सिविल लाइन्स को लेकर सवाल पूछा जा रहा है आपसे, दो बार पूछा लेकिन इतनी बार आए हैं। अशोक लाहोटी को लेकर एक कहानी जो सियासी गलियारों में लगातार चल रही है, जिसका हम जिक्र यहां पर ना करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, वो कहानी अशोक लाहोटी के साथ अनायास जुड़ गई और वो जुड़ी रहेगी, और उसका एक किस्सा भिंडर से आप जोड़कर देखिए, वल्लभ नगर से, जहां पर आज तक भी भिंडर परिवार टिकट नहीं ले पाया है, आरएसएस की वैसी ही नाराजगी थी। कुछ मामले जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिन्हें लेकर बड़ी मुसीबत पड़ जाती है, तो वहीं पर अशोक परनामी को लेकर हम बात करते हैं तो ये बड़ा एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि अशोक परनामी जो प्रदेश अध्यक्ष, ऐश्वर्य जी तो आपने बहुत रोचक बात कही, इसलिए सॉरी, माफ कीजिएगा, बीच में रोकना पड़ रहा है। रोचक बात यह है, चेतन डूडी के सामने अगर हम जितेंद्र सिंह जी को लड़ा रहे हैं तो यह आम जो परसेप्शन है वो ये है कि चेतन डूडी को कहीं ना कहीं वॉकओवर मिल जाएगा। जाट वर्सेस उसमें हुआ, पूरे जाट मुसलमान सभी लोग चुनाव में चेतन डूडी को वोट देंगे, तो क्या जरूरी है पार्टी के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ईगो या अपनी उस तरह की सेटिस्फेक्शन जरूरी है या फिर जिताऊ उम्मीदवारी या वो सीट जरूरी थी। ठीक वैसे ही ये माना जाता है कि अशोक परनामी को अगर टिकट दी जाती है तो बाकी के आसपास के इलाकों को भी मदद मिलेगी, लेकिन क्या जरूरी है अशोक परनामी की जगह जो दूसरा नाम है रवि नैयर, अगर उनको दिया जाता है तो एक परसेप्शन है कि शायद वो नहीं निकाल पाए, लेकिन फिर भी उनका रेस में नाम सबसे आगे है। ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जहां पर जिताऊ से पहले, अदिति शेरगढ़ भी है और प्रहलाद गुंजल भी है, मैं एक एक करके हम नाम गिनाएंगे तो बिल्कुल शेरगढ़ भी जिसमें बिल्कुल जी नहीं, लेकिन ऐश्वर्य सवाल उनका यह है कि क्या ईगो के चक्कर में हम सीटों को गंवाने को तैयार हैं। जी सवाल बिल्कुल रोचक है ये, क्या
वसुंधरा राजे के बेहद करीबियों को टिकट नहीं दिया जाना है। दो चीजें हैं, मैं यहां पर अदिति आज स्पष्ट ही कर देता हूं, जब बात चल निकली है तो वसुंधरा राजे के करीबी ये दलील देते हैं कि हम क्या पार्टी में नहीं है, हम क्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, क्या हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के अलावा पार्टी की इतनी बड़ी नेता है उनके साथ नहीं रहेंगे, हमको जब पार्टी ने बुलाया तो हम कब नहीं गए। यूनुस खान दलील देते हैं कि मुझे जब पार्टी ने बुलाया तो मैं गया, पार्टी ने नहीं बुलाया तो मैं नहीं गया। तो दूसरे जो लीडर हैं वो यही कहते हैं, अशोक परनामी अक्सर पार्टी में एक्टिव दिखाई देते थे, जब बुलाया जाता था चले जाते थे, बाकी वसुंधरा राजे के यहां उनका आना जाना होता था। लेकिन यहां पर पार्टी सार्वजनिक तौर पर यह बात साफ है, सतीश पूनिया जब अध्यक्ष बने थे तो उसके बाद वो चीज भी याद कीजिए जब वसुंधरा राजे का जन्मदिन मनाया जाना था और चीजें तय हो गई थी और अचानक से उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रोग्राम डिसाइड कर दिए थे और जो जो नेता वहां पहुंचे उनकी लिस्ट पहुंच गई थी कि भाई पार्टी के कार्यक्रम में ये लोग नहीं पहुंचे और ये निजी कार्यक्रम में पहुंचे। और उसी दौरान एक बयान जारी करवाया जाता है, उसमें कहा जाता है कि वसुंधरा राजे का पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, वो तो निजी कार्यक्रम है। तो ये जो खाई थी ये उस वक्त बनी, हालांकि राजनीति में गुणा भाग जो होता है, अदिति आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं कि राजनीति में जिन नेताओं के बीच में पहले करीबियां थी और जो दूरियां थी वो दूरियां करीबियों में बन गई और करीबियां दूरियों में, और जो लोग दूर थे वो करीब आ गए अब इन परिस्थितियों में, क्योंकि जब टिकट की टेबल पर बात होती है तो कई बार अपने आदमी के लिए पास भी आना पड़ता है और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कई नेताओं को एकजुट भी होना पड़ता है। लेकिन यहां पर यह बखूबी ये सवाल है और ये यक्ष प्रश्न भी है, लेकिन इसके उत्तर दो हैं। इसके एक उत्तर ये है कि एक तरफ दलील दी जाती है कि पार्टी के लिए एक्टिव नहीं थे, तो दूसरी तरफ दलील दी जाती है कि भाई हम तो पार्टी के लिए एक्टिव थे। एक तरफ दलील दी जाती है कि वसुंधरा राजे के करीबी थे और उनके खास सिपह सलार थे, तो दूसरी तरफ दलील दी जाती है कि चंद्रशेखर जो है संगठन महामंत्री, वो जो कार्यक्रम देते थे उनको क्यों नहीं निभाया जाता था, या उन्होंने कार्यक्रम दिया या नहीं दिया, एक भी कार्यक्रम नहीं दिया, ये चीज भी देखी जाती है। तो यहां पर बात आकर टिकती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोई। अच्छा, एक रोचक चीज ये हो गई है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अदिति जी, अदिति अपनी बात कहिएगा, लेकिन मेरा सवाल है, सवाल ये कि भाई एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जितनी सीटें अभी तक बटी हैं उन सीटों के अंदर 50% के आसपास वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट गई है या उनके चाहने वालों को या उनकी चली है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के जो करीबी हैं उनको इसकी सजा मिली है कि वो करीबी हैं। तो भाई अगर टिकट बटेंगे तो बाकी भी तो नेता हैं, और कुछ के अगर टिकट कटे तो क्या उसको हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई वसुंधरा की चली या नहीं चली, अगर 50% उनके हैं तो विजय जी देखिए, ये इसे ही अभी जिस राजनीति का जिक्र अभी ऐश्वर्य जी कर रहे थे, तो विजेंद्र जी ये जो कहा जा रहा है कि वसुंधरा जी की के करीबी लोग हैं और उनको काटा जा रहा है, तो वसुंधरा जी खुद बेबाक तरीके से बोलकर आई है सीईसी की बैठक में कि जितने भी लोग हैं, क्योंकि एक समय ऐसे आ गया था कि राजपाल सिंह जी उनका तो कट चुका है चुनाव, उनको सिविल लाइंस के लिए माना जा रहा था, लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टर राम प्रताप, उसके बाद फिर यूनुस खान, अशोक परनामी, ये राठौड़ साहब, बाबू सिंह राठौड़, ये तमाम वो नाम थे जिन पर तलवार लटक चुकी थी, कट चुके थे। तो वसुंधरा जी ने फिर वो अपने असली रूप में आई, शायद पूरी तरीके से नहीं आई पर आई, और उन्होंने कहा इन सबकी गलती शायद ये है कि मेरे करीबी हैं, जिस पर बहस भी हुई, तो काफी सारी खींचतान हुई, वसुंधरा जी नाराज भी हुई, उन्होंने मुद्दे भी रखे, खुलकर रखे, यूनुस खान जी के लिए भी कई बार रखे, लेकिन अब यूनुस खान जी का टिकट उनको डीडवाना से लड़ना था कट चुका। तो अच्छा, एक और बहुत एक बेसिक सा डिफरेंस आ गया, लेकिन यूनुस खान का जो टिकट है अदिति, अगर बीजेपी डिसाइड करती है कि भाई उन्हें किसी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारना ही नहीं है, तो ये तो पार्टी की लाइन हो गई ना, पार्टी की लाइन से कोई व्यक्ति की लाइन ऊपर थोड़ी ना जाएगी, संगठन में और बहुत काम होते हैं। Absolutely. लेकिन अब हम देश की राजनीति से इसे जोड़ते हैं, जो भी जैसे कामा से भी मुस्लिम प्रत्याशी काफी सारे थे जो चुनाव में उम्मीद कर रहे थे, दो सीटें कामा डीडवाना। अब मुद्दा यह है कि एक तरफ ऐश्वर्य जी समझ जाएंगे, मैं नाम बिना लिए कहूं, आरएसएस के एक बड़े व्यक्ति हैं जिनको ये मुस्लिम मंच जिम्मेदारी दी गई है कि आप ओबीसी वाले मुस्लिम्स को जोड़िए, आप मुस्लिम समुदाय को जोड़िए। उन्होंने भी ये कहा कि अगर टिकट ही नहीं देंगे तो कैसे जोड़ेंगे। 2024 की राजनीति में अगर आपको 303 से उठकर आपको 400 पार जाना है,
या 350 पार जाना है और नॉर्थ में आपने 100% अचीव कर लिया है, साउथ में स्थिति ठीक नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा वोट कैसे लेंगे? आप एक्स्ट्रा वोट ऐसे ही लेंगे कि आप कहीं ना कहीं नए वोटर्स जनरेट करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए नए वोटर्स क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए नए वोटर्स है एससी समाज, एसटी समाज। हाँ, लाभार्थियों को छोड़ दीजिए, लाभार्थियों को तो बियॉन्ड समाज सरकार मदद करती है, उनको लेकर आती है, पर एक समाज के चंग के लिहाज से आप मुस्लिम समुदाय को जोड़ेंगे? आपने ट्रिपल तलाक से महिलाओं को जोड़ा ना जी। अगर आपको 400 पार का आंकड़ा करना है तो आपको मुस्लिम समाज को जोड़ना होगा। तो अब आप राजस्थान में चुनाव से पहले अगर ये फैसला लेते हैं, वहीं मध्य प्रदेश में सीधा सीधा कमलनाथ ने हिंदू वाली लाइन खींच ली है, तो आपको फिर कोई ना कोई तो इमेज, ये दिक्कत ये थी कि ये सारे जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं ये सोच रहे थे कि शायद 2024 में समस्या तो ये मुस्लिम भी है वोटर्स को जोड़ने की इस कवायद में हमें समस्या ये है कि अगर मानो 5-7-10 कैंडिडेट उतार दिए जाए तो फिर जो तिजारा से शुरुआत की गई है कि देखिए इसराइल ने किस तरीके से आतंकियों को मारा है गाजा के अंदर, इशारा सब जानते हैं इशारा क्या था, फिर मस्जिद को लेकर जो बयान दिया गया, तो अगर 5-7 कैंडिडेट उतार देंगे तो फिर बयान कैसे देंगे और पोलराइज कैसे करेंगे? अदिति, एक चीज मैं यहां पर वापस से जिक्र करूंगा अगर आप सुन पा रहे हैं तो यहां आप... बिल्कुल अदिति, एक बड़ी बात यह है कि आप दिल्ली में रहते हैं और लगातार बड़े नेताओं के मूवमेंट देखते हैं और अमूमन बातचीत भी होती है, चाय पर चर्चा भी होती है, जो सामान्य चीज है। यहां पर बड़ा सवाल यह है कि याद कीजिए अदिति, 92 में भारतीय जनता पार्टी 80 के दशक में शुरुआत हो गया था राम जन्मभूमि का आंदोलन, ये खिंचता चला गया, जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया उसके बाद और ज्यादा बढ़ा, लेकिन अटल जी ने चीजों को बैलेंस किया और 99 तक आकर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़े। सॉफ्ट हिंदुत्व से भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदय मुख्यमंत्री के रूप में होता है गुजरात में, और उस वक्त जब दंगे हुए जो वहां आम बात थी, दंगों में जो उन्होंने प्रबंधन किया उससे हिंदू समाज बेहद प्रसन्न नजर आया और उसमें मुस्लिम जो है वो उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे जो लेकिन इन सबके परे नरेंद्र मोदी पॉपुलर होते चले गए और उसके बाद और भी अग्रेसिव हिंदुत्व होता चला गया, सॉफ्ट हिंदुत्व की जगह हार्ड हिंदुत्व हुआ और उस हार्ड हिंदुत्व की कड़ी में यहां पर चीजें और जुड़ी। अदिति, यहां पर दो चीजें और नजर आई, वो ये नजर आई कि अचानक से मनोज सिन्हा की चर्चा थी, मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बनने वाले थे उत्तर प्रदेश के, नरेंद्र मोदी अकेले ही देश में काफी थे, लेकिन एक सेकेंड लाइन तैयार की जाती है और नागपुर को लेकर उस चीज को यहां पर जोड़े जाने में कोई गुरेज भी नहीं होगा, सेकंड लाइन में और भी हार्ड हिंदुत्व की तरफ जाते हैं, और भी अग्रेसिव हिंदुत्व की तरफ जाते हैं और उसके बाद थोड़े दिन बाद उसी अंदाज में नॉर्थ ईस्ट में एक और नेता का उदय होता है, वो हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि कांग्रेस से आते हैं और वही नॉर्थ ईस्ट के योगी आदित्यनाथ कहलाते हैं। तो ऐसे में राजस्थान में मुसलमान को टिकट दिया जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी कसरत नहीं होगी क्या? देखिए, जाहिर तौर पे होगी, लेकिन फिर हम उन बात करते हैं ना, आपको याद होगा सतीश पूनिया जी राष्ट्र वो थे अध्यक्ष थे पार्टी के, उसी समय 1.5 साल के लिए जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाया जाता है। कब होता है? जब कार्यकारिणी होती है, राष्ट्र कार्यकारिणी होती है दिल्ली में, वहां पर जब जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ता है तो उम्मीदें बढ़ती हैं कि सतीश पूनिया जी का ही बढ़ेगा, लेकिन वहां पर एक और बात होती है, हमको मुस्लिम समाज को जोड़ना है, ये ऑन रिकॉर्ड उस कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री कहते हैं, और वो कौन सा समाज है? पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज जो पिछड़ा समाज। हाँ, उस पर काफी बहस भी हुई, तमाम चीजें हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बात पता है कि एक तो हमारी कट्टर वाली चीज पे जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम जाते हैं, मैं गई, मैंने कवर किया, वहां पर ये सवाल उठा कि, और खास तौर पे अमेरिका की बात करें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सवाल उठता है। देखिए, इसको बहुत बेहतर तरीके से दो लाइन में ऐसे समझ सकते हैं ऐश्वर्य जी, पहला, दोनों ही पार्टियों ने रिस्क नहीं लिए, अपने पुराने प्रत्याशियों को उतारा है मैक्सिमम, क्यों? जीरो रिस्क, कि कुछ नहीं होगा तो ये मेहनत करके जीतेंगे, जिताएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, जीरो रिस्क। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जब कुछ नहीं समझ पाती तो उसके पास एक ही प्लान है, जीरो रिस्क वाला, हिंदुत्व वाला, जीरो रिस्क, कि ये तो श्योर शॉट चलेगा ही। लेकिन जब रणनीति के, जैसे अभी अगर हम, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, तो अमित शाह एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं,
जिसमें राजनाथ जी हैं, लोकसभा को लेकर बेहद महत्वपूर्ण बैठक अभी चल रही है, रणनीति, प्रत्याशी, कैंडिडेट, मुद्दे, स्ट्रेटजी, तमाम चीज को लेकर। और आज की इस बैठक में बहुत कुछ निकल कर आएगा। ये उसी जगह बैठक है जहां पे उन्होंने सर्वे देखे थे, 6 बड़े सर्वे लोकसभा के, जिसके आधार पर यहाँ पर लोकसभा में लोकसभा के एमपीज को उतारा गया। तो मुद्दा यही है, राजस्थान में तो हो गया है, कन्हैयालाल अभी से एंट्री कर चुके हैं। शॉर्ट शॉर्ट हिंदुत्व वाली रणनीति अपनाई है। जयपुर के अंदर जो एक मोटरसाइकिल से दुर्घटना हो गई वो भी एंट्री कर गई है, बिल्कुल, और उसने भी राजनीतिक रंग ले लिया, मंदिरों ने राजनीतिक रंग ले लिया है। यही बाल मुकुंदाचार्य महाराज, कुछ दिनों पहले जब टिकट नहीं मिला था तो यही महाराज जो हैं ये एक मुस्लिम एरिया में जाकर अपने वीडियो भी इन्होंने जारी किए थे कि मंदिर टूटने जैसी कोई खबर थी, मंदिर की मूर्तियों की या मकान बेचे जाने की, जो भी हो। तो इन्हें भी सियासी तौर पर इस चीज का भान था कि आदर्श नगर, किशनपोल और ये जो एरिया है मुस्लिम बेल्ट है, तो यहाँ पर एग्रेसिव होना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब प्रश्न है अदिति, अब देखना होगा कि अभी भी यूनुस खान के पास जैसे टॉक का पिछली बार दोबारा मौका लगा, तो ऐसे में क्या यूनुस खान दूसरी सीट के लिए अब तैयार होंगे, कोई बची होगी उनमें से किसी के लिए, या फिर यूनुस खान को आगामी दिनों में कोई आश्वासन दिया जाएगा। यहां पर इन सबके बीच एक और सवाल मैं यहां अदिति पूछना चाहूंगा, महत्वपूर्ण सवाल है। यहां पर जब जेपी नड्डा और अमित शाह और प्रहलाद जोशी, इन तीन की बात आती है, इस पूरी लिस्ट को जब हम देखते हैं तो इस लिस्ट में सर्वे जो है वो कितना काम किया है। दो तरीके के सर्वे होते हैं, कागजी सर्वे होता है जो चार लड़के आते हैं विधानसभा क्षेत्र में, 4-10 लड़के आते हैं, लड़कियां आती है, कागजों में लिखकर नोट करके चाय की थड़ियों पर इधर उधर पूछ कर निकल जाते हैं। दूसरा एक सर्वे बड़ा महत्वपूर्ण होता है जो अमित शाह का होता है, जिसमें वो सेंट्रल इंटेलिजेंस से भी लगातार अपडेट लेते हैं हर एक क्षेत्र की, जिसमें अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पूरी अपडेट लेते हैं विचार परिवार से भी। एक उसमें एक गुप्त रूप से एक टीम काम करती है जो सोशल मीडिया से लेकर हर एक नेता के पूरे मूवमेंट पर भी नजर रखती है कि कौन कितना एक्टिव है। तो इन दोनों में से कितनी इन सर्वे की चली है, या फिर इसमें नेताओं की राय को ही तवज्जो दी गई है, क्या लगता है इन अभी तक की लिस्ट में अदिति? दोनों पार्टियां और एक पार्टी के नेता ने कहा कि सर्वे को सुविधा की तरह मत लीजिए। मुझे लगता है ये लाइन इतनी सटीक है दोनों ही पार्टियों के लिए कि सर्वे को सुविधा की तरह लिया गया, और अमित शाह के सर्वे को तो चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। एक दिन ऐश्वर्या जी, अब रात को 4 बजे तक जयपुर में जब पहली बार अमित शाह आए थे तो आप 4 बजे तक रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस बैठक में भी अमित शाह ने, ठीक है,